हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ प्रिंटर का ड्रम कैसे चेंज करते हैं। तो वहाँ पर मॉडल एच पी लेजर टैंक 2606 SCW, इसके पेपर साइड में ब्लैक कलर आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये बैक साइड प्रिंटर का है, उसमें देखिए ड्रम दिखाता हूँ आपको। देखिए ड्रम भी हमारा साइड में ही कट रहा है ना, तो ये हमारा पेपर पे आ रहा है, इसलिए हम इसके ड्रम को चेंज करते हैं। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले ड्रम को निकालने के लिए हमें ये एरिया ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ से ड्रम इंक फ्लो करती है, एक पेच लगा हुआ है। इस पेच को हम खोलेंगे, पेच आ गया है, और इस कवर को हम अपनी जगह को उठा लेंगे। ठीक है, ये उठा लिया। उसके बाद ड्रम का कनेक्शन है, ये एक कनेक्टर हम निकाल देना है, ये वाला दिख रहे होंगे आप, ये ड्रम यूनिट से अटैच होता है यहाँ पर। अब उसके बाद हम फिर बैक साइड में आएंगे, बैक ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी एक क्लिप लगी होती है, ये वाली क्लिप लगी होती है जिसमें ऑलरेडी निकाला हुआ है, और ये दिखाते हैं एक इधर साइड में सीधे यहाँ पर लगी होती है क्लिप टाइप से, इसे हम निकाल लें। उसके बाद हम ड्रम यूनिट निकालेंगे। ड्रम यूनिट को निकालने के लिए एक पतला पेचकस होना चाहिए, जिसकी वजह से ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये देख रहे होंगे ना वाइट, इस वाइट लॉक को हमें दबाना होगा। फ्रेंड्स, ये देखिए बैक साइड में अंदर साइड ये लगा हुआ है, इस गियर को दबाना होता है। सो फ्रेंड्स, आपको दिखाएंगे कि ड्रम इसका कैसे निकालते हैं। तो हमारा पूरा ड्रम यूनिट निकाल लिया है। वैसे एक्चुअली इसकी एचपी से कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो बेसिकली हमारे पास ये थोड़ा सा कंपेटेबल ड्रम मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो खर्चा है वो बच जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे ड्रम कैसे चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रम निकालने के लिए ये हमारे पेच लगे हुए हैं जिन्हें ओपन करना है। कैमरामैन प्लीज फोकस। वो जैकेट तो खुला हुआ है, ऐसे देख लो उसको, ठीक है। दोनों बगल में इतना एक दूसरी बना दो, श्याम उसको बोल दो उससे तुम्हारा, ठीक है। वो सीट तो नहीं यहाँ पे कर दो। फ्रेंड्स, ये दोनों हमने पेच ओपन कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सॉकेट थोड़ा सा इसे मूव करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये निकल आया है। ये स्प्रिंग यहाँ पर लगी हुई थी, तो ये निकाल लिया। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं छेड़ना है, ड्रम यूनिट में से ड्रम निकालना है। कि आई थिंक इधर अभी फ्रेंड्स देखा होगा आपने, ये देखिए पूरा रोलर निकल आया है। अब इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ये रोलर वोलर क्लीन करके फिर दोबारा से सेट कर देंगे। ये देखिए हमने अलग निकाल लिया। तो हमने जब ओपन किया है तो उसका ब्लेड ब्लेड क्लीन कर लेंगे, उसके बाद ड्रम को सेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रॉपर क्लीन करने के लिए हमें इधर साइड के भी पेज ओपन करने हैं। सो फ्रेंड्स, हम हटाएं नहीं इस रैपर को क्योंकि स्केच ना आ जाए, तो ये हम देखो रोलर पे यहाँ पर सेट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम इस तरीके से नया ड्रम सेट कर देंगे,
रोलर के पास, और इस यूनिट को उठा के इसमें पेस्ट कर देंगे, इसमें यूनिट में सेट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर फिर इस तरीके से लॉक यहाँ पर साइड में आ जाएगा ये वाला, और ये इस तरीके से सेट कर दिया हमने। इसमें हमें सॉफ्ट यूज़ कर लेंगे फ्रेंड। एक बार फिर से अगेन लॉक पोजीशन देख लीजिए, ये देखिए ये ब्लैक के अंदर वाइट वाला एरिया आ जाएगा, ये दो पॉइंट कस देंगे फ्रेंड्स। हमने देखिए दोनों साइड पे ये पेच कस दिए और ये पेच कस दिए। अब इसे हम यूनिट में लगाएंगे, ड्रम की पोजीशन हमारी ऐसी रहेगी। ये एरिया देखिए आपका अंदर जाएगा ऐसे करके करके ऐसे करके ऐसे, और अब साइड में थोड़ा सा इसे उठा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा पोजीशन ठीक आ गया है, बट ये वाला पोजीशन हमारा ठीक नहीं आया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था निकालते टाइम पे, यहाँ पर ये कवर है मैंने बोला ये, तो यहाँ पर जो वाइट वाला एरिया मैं दिखाता हूँ तो उसे माइनस पेच कस से इधर साइड से यहाँ पर डाल के वाइट वाला एरिया है उसे प्रेस करना होगा। इसे निकालते टाइम प्रेस किया था फ्रेंड्स, ये वाला एरिया हमें प्रेस करना होता है, ये वाइट वाला। तो प्रेस करने के बाद ही हमारी ड्रम यूनिट को पुश कर देंगे, ये अपने लो पोजीशन पे आ जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर कनेक्शन जो हमने निकाला था ड्रम यूनिट का, ये वायर को लगा देंगे फ्रेंड्स। लॉक को लगाने के लिए यहाँ पर कट दिए गए हैं, ये देखिए ये लेफ्ट साइड में कट दिया गया है। इस तरीके से लॉक लगा देंगे कोने में और इसे कर देंगे ऐसे। इसी तरीके से सेकंड साइड में भी हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो वन कट एंड सेकंड कट, यहीं पर हमारा लॉक आ जाएगा, फर्स्ट कट में देन सेकंड कट, ये आ गया फ्रेंड। बहुत साइड हमने पेज को कस दिया है और इसी बंद कर देते हैं और इस कवर को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, बैक साइड पर अब हम आते हैं फ्रंट पर, फ्रंट पे ये वाला कवर हम लगा देते हैं। कवर लगाना है यहाँ पर, हमने पहले तीन लोगों को होल्ड करिए, लाने के बाद इस तरीके से पहले ये अंदर डाल देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर कवर लगाएंगे और प्रेस कर देंगे। ये हमारा पेज है, पेज को हम यहाँ पर कस देंगे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पेज कस दिया है और उसे क्लोज कर देंगे, उसके बाद प्रिंट टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रिंटर को ऑन कर दिया है और हम प्रिंट निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, वाईफाई इसलिए ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ये नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है। फिलहाल आई बटन प्रेस करके हम उसका प्रिंट टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त प्रिंट है हमारा, जो ब्लैक साइड आ रहा था वो ब्लैक एरिया ख़त्म हो गया।
फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं।